का भैया राम राम भाई। और मैं तो एक बात कहना चाहूँ, अब तक ऐसा बनाया सी जो अपनों घर भरे से, यो तो सब ना अपने अंदाजो से कि यो परिवार लूट का सूट में तो कौन है ना, ये तो भरा पूरा सी। तो इसलिए हाथ जोड़ की विनती से एक बर्तन का जोटो मार दो तकड़ो सो, फिर देखा फिर तुम ना करेगा तो कर देगा। हाँ तो बस, तो एक बार जोटो मार दो तकड़ो सारे घटा एक बार जिता दो, फिर मंत्री अपने आप बनी आइए और काम अपने थम कान पकड़े करवा लियो। हाँ इब ऐसे बढ़ा दिया वो लुकता हंडी जय नहीं बढ़ावे से वो अपनो घर भरो से। अरे फिर सीहोर से शुरुआत करी से, इसीलिए सीहोर से शुरुआत करी से जी। बीजेपी ने प्रेशर बना के सीएम बनाएंगे आपको, ये कैसे खड़े हो रहे हैं, इनको आप ठीक करो, आप उसे बनाएंगे, तो उनकी मजबूरी थी जो भी कारण थे, ठीक है, पार्टी बड़ी है दादा, हाँ जी, तो इस बार हम उनका आशीर्वाद ही लेकर आएंगे, ठीक है, बधाई लेकर आशीर्वाद। हाँ जी, आज हमने सीहोर गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए बुलाया है क्योंकि हम 2 साल से हम साइलेंट बैठे हुए हैं और आपके बदलते राजनीति समीकरण को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे थे, और अब समय उचित है, टाइम आ गया है कि हम फील्ड में निकले, और इसीलिए हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है सबको एक्टिव करने के लिए कि जो भी सुख दुख की खबर हो, मुद्दे हो, काम हो, आप हमें बताइए, याद करिए और हमें फील्ड में रखिए। 1 साल बचा है इलेक्शनों के लिए और अब हम फील्ड में, हमने छलांग मार दी है। पिछले कुछ दिनों से आपके कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, आपने भी एक कार्यक्रम किया था वहाँ और आप फिर अटेली के अंदर, तो अब आपका जो है अटेली से चुनाव लड़ने का पूरा प्लान कर चुके हैं। हाँ जी हाँ, कांग्रेस हाईकमान से बातचीत चल रही थी और वो भी इच्छुक थे कि हम कोसली विधानसभा से आ जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए क्योंकि वो हमारी पैतृक सीट रही है। वहाँ से राव वीरेंद्र सिंह भी विधायक रह चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी जी, राव राजेंद्र सिंह भी जी, और वो उनकी यही सोच थी कि वो बहुत बड़ी सेफ सीट है और अगर वो संभल जाए तो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी भी सांसद का इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि दोनों बार जब वो इलेक्शन अपना एमपी के हारे थे तो कोसली तक तो बहुत बड़ी लीड लेके आए थे, 90,000 की लीड, और फिर वो कोसली आके 5,000 वोट से हार गए, तो ये उनकी सोच थी। पर हमने जाके फिर अपने महासचिव जी सुरजेवाला जी से बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सर, क्या नेताजी का आशीर्वाद लेने की बात जैसे अंदर चल रही थी, हाँ जी, मिल पाएगा? हाँ जी, अब देखिए, अब नेताजी की अब उम्र काफी हो गई और जैसे अब सुनील गावस्कर जी हैं, उनको भी तो कभी रिटायरमेंट लेनी थी ना, तो अब नेताजी को भी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, तो आशीर्वाद तो फिर देना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा उनसे। राहुल भी लगातार